पलामू उपायुक्त अंजलि दोडे ने जिले के प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ मेले स्थल का किया निरीक्षण। जिला प्रशासन और मेला समिति के सामूहिक प्रयास से आगामी 11 और 12 फरवरी को लगने वाला राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेला का होगा भव्य आयोजन। मेले में होगा आदिवासी संस्कृति का विशाल समागम। मेले में मादक पदार्थों व मांस बिक्री पर रहेगी पूर्णतः प्रतिबंध, इसके लिए पुलिस प्रशासन हुई मुस्तैद। खबर दुबिया खार से है, जहां पलामू प्रमंडल के महान महाप्रतापी महाराजा मेदनी राय की याद में अनवरत 3 दशकों से लगने वाला आदिवासी विकास महाकुंभ मेला को विगत वर्ष 16 मार्च 2022 को झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मेले को राजकीय घोषित कर दिया गया। चूंकि अब इस मेले को लगाने की जिम्मेवारी सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की हो गई। बताते चले, इस मेले को राजकीय मेला का दर्जा दिलाने के लिए संयुक्त बिहार सरकार के समय से अलग झारखंड राज्य स्थापना से लेकर अब तक कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, परंतु कोई भी सरकार इस मेले को राजकीय मेला दर्ज कराने में सक्षम नहीं हो पाई। जब झारखंड प्रदेश में आदिवासियों की सरकार बनी तो 2 वर्ष की कोरोना महामारी के बावजूद दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कई अवरोधों के बावजूद झारखंड वासियों के प्रति उत्तम विचार की सरकार से राजकीय मेला घोषित कराने में सक्षम हुए। तो वहीं मेला समिति के साथ पलामू उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला प्रशासन व मेला समिति के साथ 2 बैठकें होने के बाद जिला प्रशासन में मेला समिति के समन्वय से मेला आयोजन कराने का निर्णय लिया गया। इसी आलोक में उपायुक्त पलामू सहित जिले के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मेला स्थल पर मेला समिति के साथ औचक निरीक्षण किया गया। उपायुक्त पलामू ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश देते हुए मेले की भव्य आयोजन करने पर विशेष बल दिया। जिला खेल पदाधिकारी उमेश लोहरा को समुचित व्यवस्था के लिए कार्य योजना तैयार करने की जिम्मेवारी दी गई। जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त पलामू के अतिरिक्त उप विकास आयुक्त पलामू, अनुमंडल पदाधिकारी मेदिनीनगर, अनुमंडल पुलिस अधीक्षक व प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित कई पदाधिकारियों को मेला लगाने के लिए पूरी तैयारी करने को कहा गया। मौके पर राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेला समिति के सभी प्रमुख पदाधिकारियों की ओर से जिला प्रशासन को स्थल निरीक्षण में भरपूर सहयोग किया गया। आइए देखते हैं दुबिया खाड़ मेला स्थल से स्पेशल ग्राउंड रिपोर्टिंग, द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह के साथ। जोहार, झारखंड से आप देख रहे हैं द न्यूज रेवोल्यूशन जनता की आवाज, मैं हूं अजय कुमार। आज हम उपस्थित हैं महाराजा मेदनी राय चौक दुबिया खाड़, पलामू के इस पवित्र पावन धरती पर महाराजा मेदनी राय दुबिया खाड़ चौक, जहाँ पर आगामी लगने वाले 11 एवं 12 को ऐतिहासिक राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेला की तैयारी को लेकर आज पलामू जिले के तमाम महकमे इस धरती पर उपस्थित हो रहे हैं, इस स्थल पर उपस्थित हो रहे हैं। आज स्थल निरीक्षण को लेकर ये पहली प्रशासन की पहली मुखातिब होगी, पहली मुलाकात होगी मेला समिति के साथ, और देखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आज स्थल निरीक्षण में क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे, क्या कुछ ठोस निर्णय लिए जाएंगे। हमारे बीच देखिए इस क्षेत्र के कोड़िया पंचायत के पंचायत प्रतिनिधि में पंचायत समिति सदस्य अजीत जी उपस्थित हैं। किनका इंतजार हो रहा है बेसब्री से? सर, अभी तो हमारे मेला स्थल पर पलामू उपायुक्त का आगमन होना है, सर उन्हीं का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। चलिए, हमारे बीच मेला समिति के सदस्य हैं, किनका इंतजार है इतना बेसब्री से देख रहे हैं, सुबह से आप लोग इंतजार कर रहे हैं? पलामू के राजा के इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए कि राजा के उपलक्ष मेला लगना है, तो अभी पलामू के राजा उपायुक्त महोदय हैं, इसलिए उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। हमारे बीच मेला समिति के अध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं। क्या क्या प्लानिंग चल रहा है, क्या लग रहा है आज पहली बार पलामू जिला के उपायुक्त महोदय वो मेला निरीक्षण के लिए आ रहे हैं, क्या क्या बातें रखनी है आज उनके बीच? धन्यवाद। आज जो है पहली बार राजकीय मेला जो 2022 में घोषणा हुआ है जी। और 2023 में जो 11 और 12 फरवरी 2022 मेला जो लगने वाला है जी। तो माननीय उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक बार जिला में बैठक हुआ, आवाज स्थल पर जांच करने आ रहे हैं कि 11-12 जो मेला लगेगा उसका तैयारी कैसे करना है, तो तैयारी लेकर आ रहे हैं उपायुक्त महोदय जी, उन्हीं को हम लोग स्वागत करेंगे। और यहाँ जो प्रति वर्ष जो मेला लगते आया है उस सारे बायोडाटा बताएंगे, और उपायुक्त महोदय के द्वारा बोला गया है कि जो आप लोग के मेला लगता है उससे हम लोग चढ़ बढ़ के भव्य मेला लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। हमारे बीच इस मेला स्थल के पहान कहिए और मेदिनीनगर के उप प्रमुख भी हैं चेरू शीतल सिंह निराला जी, क्या कैसा उत्साह है उपायुक्त महोदय का इंतजार कैसे कर रहे हैं? इस वर्ष बहुत मैंने ये राजकीय मेला घोषित हो गया है और हमारे डीसी महोदय आ रहे हैं और उन्होंने वादा किए हैं कि इस मेला को रूपरेखा पहले से भी बहुत बेहतर
देने का उन्होंने वादा किए हैं और हम लोग जो हैं हमारे टीम जो हैं कि उनके स्वागत के लिए उपस्थित हैं और उनके आने के बाद हम लोग स्वागत करके और आने के बाद उनको विचार को हम लोग रखेंगे अपने विचार को। धन्यवाद। चलिए हमारे बीच कार्यकारिणी अध्यक्ष महोदय मेला के और कुछ हाथों में फूल लिए हैं, क्या तैयारी है आज उपायुक्त महोदय के स्वागत के लिए? पहले जोहार आपकी पूरी टीम को। जी जोहार। हाँ, पूरा जैसा कि अभी सभी लोगों के साथ सुन रहे हैं, यहाँ यह मेला समिति ही नहीं बल्कि पूरा परमंडल के वासी लोग पूरा उत्साहित हैं, पूरा खुशी से उमंग में उत्साह में लेवरेज हैं, क्योंकि आज इस वर्ष पहली बार पलामू जिले के निर्देशानुसार और सरकार के निर्देशानुसार पलामू जिले के सभी पदाधिकारियों के देखरेख में मेला लगने जा रही है। और इस मेले में जो खासियत है वह ये होगा कि यहाँ पर इस वर्ष पूरे पलामू परमंडल के आदिवासियों का जैसे एक समन्वय देखने के लिए मिलेगा, समूह देखने के लिए मिलेगा, समागम देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे कि केवल आदिवासी ही आदिवासी नजर आएंगे। यह एक बहुत ही उत्साह की बात है। और जैसा कि अभी तुरंत मीडिया से भी आया था, एक न्यूज पेपर में आया था कि पलामू किला का जो झांकी निकाली गई थी गणतंत्र दिवस के अवसर पर, उस झांकी को जैसे पूरे राज्य में जैसे प्रथम पुरस्कार दिया गया है, तो यह हम आदिवासियों के लिए बहुत ही गौरवान्वित होने वाली बात है और इसके लिए हम पूरे जिला के प्रशासनिक तंत्रों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम आपको दिखाएंगे उपायुक्त महोदय जब यहाँ उपस्थित होंगे, मल्यार्पण होगा और आगे की जो आज निरीक्षण के दौरान जो मेला समिति के साथ और उपायुक्त महोदय के साथ प्रशासन के साथ जो बातें होगी वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। लगातार ही चैनल के साथ बने रहिए। माला भी दीजिए सर को। जिनका इंतजार था हम लोगों को काफ़ी देर से, पलामू के उपायुक्त महोदय उपस्थित हो चुके हैं और आज जो स्थल निरीक्षण का जो एक समय रखा गया था, क्या कुछ आज स्थल निरीक्षण में निर्णय लिए गए और क्या सुझाव देंगे आज ये आगामी जो 11-12 फरवरी को लगने वाला ऐतिहासिक मेला है, लोगों को क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? यहाँ जो दुबियाटन मेला जो होने वाला है 11-12 को, उसका तैयारी हम लोग शुरू करने के लिए यहाँ आए हैं और इसका जो भी ज़रूरत है हम लोग लोकल आप लोगों का जो अपना कमेटी है लोकल कमेटी के साथ मिलके, क्योंकि राजकीय मेला घोषित हो गए हैं, इसका सारा काम हम लोग राज्य स्तर से करने के लिए कोशिश करें। ओके सर, धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। आप देख रहे थे मेला टार से ग्राउंड रिपोर्टिंग, मैं द न्यूज़ रेवोल्यूशन से कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ अजय सिंह।